प्यारे बच्चों, नाना साहेब पेशवा की मौत के बाद उनका बेटा माधवराव पेशवा बना। सबक के इस हिस्से में हम पेशवा माधवराव, मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पेशवा माधवराव। नाना साहब पेशवा की मौत के बाद उनका बेटा माधवराव पेशवा बना। माधवराव ने अपने दौर में निज़ाम और हैदर अली को काबू में किया। उन्होंने शुमाल में मराठों का तसल्लुत दोबारा कायम किया। पानीपत में मराठों की शिकस्त के बाद निज़ाम ने दोबारा उनकी मुखालिफत में कार्रवाइयां शुरू कर दी। उन्होंने मराठा इलाकों पर हमला किया, लेकिन माधवराव ने पैठन के करीब राक्षस भुवन के मुकाम पर उन्हें शिकस्त दे दी। हैदर अली मैसूर के सुल्तान थे। पानीपत की जंग में मराठों की शिकस्त का फ़ायदा उठाकर उन्होंने कर्नाटक में मराठों के इलाकों पर हमले किए, लेकिन मराठों ने श्रीरंगापट्टन के करीब मोतीलालाब के मुकाम पर उन्हें शिकस्त दे दी। उसके बाद हैदर अली ने तंगभद्रा नदी के शुमाली इलाके मराठों के हवाले करना मंजूर कर लिया। सन 1772 ईस्वी में माधवराव की मौत हो गई। मराठों की तारीख में एक ईमानदार, मेहनती, धुन का पक्का और रियायत की फलाह चाहने वाला हाकिम के तौर पर उनका जिक्र किया गया है। इस फर्ज शनास पेशवा की मौत की वजह से मराठों की सल्तनत का बेहद नुकसान हुआ। पेशवा माधवराव के बाद तख्त नशीन होने वाले नारायण राव और सवाई माधवराव, ये दोनों पेशवाई के तख्त पर ज़्यादा अरसे तक न रह सके। उसके अलावा इन दोनों के ज़माने में पेशवाई को घरेलू झगड़ों ने निगल लिया। अटक पर मराठा परचम लहराने वाला रघुनाथ राव इकतदार की लालच में अंग्रेज़ों की पनाह में चला गया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों और मराठों में लड़ाई हुई। सन 1782 ईस्वी में हैदर अली का इंतकाल हो गया। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू मैसूर के सुल्तान बने। टीपू सुल्तान एक काबिल जर्नेल होने के साथ साथ एक आलिम और शायर भी थे। अपनी शख्सी काबिलियत के ज़ोर पर उन्होंने अपनी रियासत के गलबे में इजाफा किया। उन्होंने फ्रांसीसियों से दोस्ती करके अंग्रेज़ों की बालादस्ती को ख़त्म करने की इब्तिदा की। सन 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों से जंग करते हुए वो शहीद हो गए।